अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर बैटरीज स्पेशली कमर्शियल में अगर हम चले जाएं या इंडस्ट्रियल स्केल पे चले जाएं तो किस किस्म की बैटरीज अवेलेबल है मार्केट में और क्या न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है जो कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही होंगी। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नई नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है बट उस पर वर्क हो रहा है और उसकी प्रोटोटाइप्स भी डेवलप हो चुकी हैं, वो है सैंड बेस्ड बैटरीज। और सुन के आपको हैरानी होगी कि सैंड बेस्ड बैटरी क्या बैटरी होती है कि जिसमें मिट्टी डली हुई होगी, बट वो बैटरीज हैं जो सैंड बेस्ड है और मिट्टी उनमें मेन कॉम्पोनेंट है उन बैटरीज के अंदर, रेत आसान अल्फाज में, और रेत के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि रेत के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो काफी लोगों को पता ही होगा। आप देखें, आपका जो मकई भून रहा होता है वो मकई को कैसे भूनता है, वो नीचे आग जलाता है, वो आग की जो तपिश होती है, जो उसकी गर्माइश होती है, हीट एनर्जी होती है, वो रेत के अंदर चली जाती है और उस रेत के अंदर फिर इतनी हीट जमा हो जाती है कि जो आपका भुट्टा या जो भी वो पका रहा होता है वो पक जाता है, वो हीट से पक जाता है। तो उसमें आप अगर आप उस नीचे की जो सोर्स है एनर्जी की, जो आपकी लकड़ी जल रही है, अगर आप उसको बंद कर दें तो आप देखेंगे कि वो जो मिट्टी है वो अपने अंदर काफी देर तक हीट रिटेन करती है, वो काफी अरसे तक वो गर्म रहती है। डिपेंड करता है कि कौन सी सैंड की टाइप है वो और कितना वेल इंसुलेटेड है कि वो जिस भी बर्तन में रखी हुई है उसमें से कितने हीट लॉसेस होते हैं, वो चीजें उसको फैसिलिटेट करती हैं ज्यादा देर तक हीट रिटेन करने में। ठीक है, बट जनरली वो सैंड एक मीडियम है कि जिसके अंदर आप एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इन दिस केस वो हीट एनर्जी है। अब जो सैंड बेस्ड बैटरीज हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। तो ये आपने जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया हमने, वो सैंड बेस्ड बैटरीज का भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने सोलर पैनल्स के थ्रू जो बिजली प्रोड्यूस करी है अब आपने उसको स्टोर करवाना है। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, छोड़ दें उसको, बट आपकी जो सैंड बेस्ड बैटरी है उसके अंदर आप हीट एनर्जी स्टोर करते हैं और जो आपकी ठंडी सैंड होती है आप उसको गर्म सैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब तो जितनी गर्म आप हीटिंग एलिमेंट लगा दें आपकी सैंड गर्म होती रहेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इसका मतलब है आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ली। अब जब आपने विड्रॉ करनी है, यूज करनी है एनर्जी, तो उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, तो आप उस हीट एनर्जी को यूज करके कोई भी स्टीम टर्बाइन, कोई भी आप पानी को गर्मा सकते हैं और पानी को गर्मा के एक स्टीम टर्बाइन चला लें, आप हवा को गर्मा सकते हैं और आप उससे एक चैनलाइज्ड विंड टरबाइन चला सकते हैं जिसमें आप एक कन्वेक्शन करंट के थ्रू विंड टरबाइन चला रहे हो। तो अगेन आप हीट एनर्जी को यूज करके आप कोई भी मूविंग मैकेनिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज यही होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप यही मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें फायदा ये हुआ कि जो सैंड है वो रिप्लेसेबल है, एक तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है सैंड इटसेल्फ की, तो जो आपका बेसिक कॉम्पोनेंट है बैटरी का जिसपे बैटरी बेस करती है वो सबसे सस्ता है। ठीक है, इसमें कोई लेड नहीं लग रहा, इसमें कोई सोडियम नहीं लग रहा, इसमें कोई लिथियम नहीं लग रही, महंगे महंगे कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो ये है कि इसको स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, ये बहुत बड़ी जगह में बहुत थोड़ी सी एनर्जी स्टोर कर पाती है अगर आप इसको कंपेयर करें लिथियम बैटरी के साथ या बाकी टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें ड्रॉबैक यह कि एनर्जी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होती, बट ऑन दी अदर हैंड फायदा यह है कि जो इसकी सैंड है वो जितनी मर्जी दफा आप गर्मा ले उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बार बार यूज करें उसको। और दूसरा फायदा इसका यह है कि सस्ती है, जो सैंड की कॉस्ट है वो है ही नहीं। नुकसान ये था कि जगह ज्यादा चाहिए। अब इशू ये आ रहा है करंटली कि स्केलेबल प्रोटोटाइप्स पे तो भी डिस्कशन वर्क हो रहा है, प्रोटोटाइप्स बन रही है, टेस्टिंग हो रही है, बट अगेन वही वाला इशू अभी है कि कितनी जगह में कितनी सैंड रखी जाए, क्योंकि अगर आप एक घर की बात करें तो घर के अंदर अगर आप 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगाना चाह रहे हैं तो अगर आप वो सैंड बेस लगवा रहे हैं तो एक स्विमिंग पूल जितनी जगह आपको चाहिए। अच्छा, पर अगर आपके बैकयार्ड है और आप वहां पे टिक करके अपनी घर पर आ भी लें तो उसमें कोई इशू भी नहीं। दो ऑप्शन है, या तो आप अंडरग्राउंड सॉइल को स्टोर कर लें स्विमिंग पूल वाली जगह, खड्डा मार के उसको इंसुलेट करके वहां सैंड को स्टोर कर लें तो कोई कॉस्ट नहीं है, या फिर आप छोटे छोटे साइलोज लगवा लें अपने बैकयार्ड में, जैसे ग्रेन के साइलोज पंजाब में तो होते हैं और छोटे शहरों में भी होते हैं जहां आप अपनी अनाज अपने घर में स्टोर करते हैं, तो वो जिस तरह आप अनाज को स्टोर करते हैं साइलो के अंदर आप सैंड को भी स्टोर कर सकते हैं, जितना बड़ा साइल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर उसमें मौजूद होगा। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, असल में जब आप इसमें हीट स्टोर कर रहे हैं ना और आप उस हीट से फिर विड्रॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवाना चाह रहे हैं तो वहां कन्वर्जन लॉसेस आ रहे हैं।
सही है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यूज केस इसका वो है कि जब आप इसमें हीट स्टोर करें और विड्रॉ भी हीट ही कर लें। और हीटिंग आप क्यों विड्रॉ करेंगे, जब जहां आपको हीटिंग चाहिए, हीटिंग बहुत सारों को चाहिए, ठंडे मुल्कों में चाहिए और पाकिस्तान में भी ठंडे इलाकों में चाहिए, कि वो एरिया जहां पे आप, अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, आप भी ठीक बात कर रहे हैं, आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हीट चाहिए आपको, तो जहां भी आपको हीट डाल के हीट निकाल लेंगे वहां एनर्जी लॉसेस मिनिमल है और वहाँ कोई कन्वर्जन के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए, कोई टर्बाइन नहीं लगानी, कोई जनरेटर्स नहीं लगाने, आपने हीट डाली, हीट विड्रॉ कर। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़े सेक्टर को आपने केटर कर लिया। बिल्कुल, ये थर्मल सेक्टर केटर हो गया। ये तो फिर अगर आप इससे बोले मैंने बिजली बनानी है तो वही बात हो गई कि ट्रक की बैटरी को मैंने घर पे यूपीएस की तरह चलाना है, ये तो आप नहीं करें ना इसे। बिल्कुल, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है ही थर्मल एनर्जी की, तो आप बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करें, आप थर्मल एनर्जी स्टोर कर लें, और थर्मल एनर्जी को, और थर्मल एनर्जी को स्टोर करने का चीपेस्ट मैकेनिज्म सैंड, तो आप सैंड में स्टोर कर लें। तो रेजिडेंशियल लेवल पे अगर बात करें तो आपको घर की हीटिंग के लिए चाहिए होता है, पाकिस्तान में इतना कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, बहुत सारे एरियाज में है बट जनरली पाकिस्तान में नहीं है, बट बहुत सारे रीजन्स है, यूएस है, कैनेडा है, यूके के बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे आपको हीटिंग चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे बजाय इसके कि फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विड्रॉ करें और हीटर्स चलाएं, रेडिएटर्स चलाएं, बेहतर है कि आप अपना डायरेक्ट थर्मल एनर्जी को विड्रॉ कर लें और घर में जो कूलिंग हीटिंग मैकेनिज्म है उसमें इस्तेमाल कर लें। इंडस्ट्री की बात आपने कर दी है, इंडस्ट्री में भी यही प्रोसेस है, कमर्शियल एंटिटीज में भी यही प्रोसेस है, बेकिंग के प्रोसेसेस या इस तरह के जो प्रोसेस हैं जहाँ पे हीट आपको चाहिए, आपने थर्मल एनर्जी का स्टोर बना लिया है, जिस जिस प्रोसेस के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस सैंड के स्टोर को एज लॉन्ग एज उसका जो इंसुलेशन है, उसका जो कंटेनर है, वो सारा ख़राब नहीं होता, आप 100 साल तक भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैंड में आप थर्मल एनर्जी जो स्टोर कर रहे हैं उसमें थर्मल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि वो डिग्रेड नहीं होता सैंड को कुछ भी। आप उसमें अगर 1000 डिग्री पे भी उसको लेके जा रहे हैं तो वो कुछ डिग्रेड नहीं कर रही, वो वापस उसमें से हीट जब आप विड्रॉ करेंगे वो बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाएगी, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में आप बार बार यूज़ करें उसको सैंड को, आप बेशक 20 साल तक यूज़ कर लें, बस जिस कंटेनर में स्टोर किया हुआ वो डैमेज ना हो, आप लाइफ साइकिल के इशू, लाइफ साइकिल की कहानी ही खत्म हो गई। लाइफ साइकिल नाम ही चीज ही नहीं है, अनलिमिटेड लाइफ साइकिल है, जितनी मर्जी दफा यूज करें। रेत वो है जो आपको अबंडेंटली अवेलेबल है, आप उसमें ज्यादा हीट कैपेसिटी, बिल्कुल आप उसमें और एडिटिव्स डाल के उसकी हीट कैपेसिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इक्विवेलेंट हो और जो डिग्रेडेशन हो, थर्मल डिग्रेडेशन वो भी ना हो, प्लस ऑफ कोर्स आप एडिटिव्स डाल के उसकी थर्मल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और आप और वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप उसको एनहांस कर लें। तो अगेन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उस पर काफ़ी अर्से से वर्क हो रहा है, अभी रेजिडेंशियल प्रोटोटाइप्स भी लॉन्च हो रही हैं, ठीक है, स्केलेबिलिटी पे भी वर्क हो रहा है, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि थर्मल एनर्जी बैंक्स भी लग रहे होंगे। ना लगने वाली बात नहीं है क्योंकि इट्स अ नो ब्रेनर कि जहां सोलर से आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, वरना ऑल्टरनेट क्या है, करंटली आप हीट के लिए क्या करते हैं, बॉयलर चलाते हैं, क्या सोर्स है, या कोल फायर्ड है, वुड फायर्ड है, या फिर गैस फायर्ड है, तो गैस वैसे ही नायाब होती जा रही है और उसका टैरिफ जो है वो सबके सामने है, जो कोल और वो है आपका लकड़ी वो धुआं फैलाती है, वो तो पोल्यूशन करती है, वो आपको हैजर्ड क्रिएट कर देती है, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। आने वाले दिनों में देखेंगे, इसे प्रोटोटाइप देखेंगे, वीडियो अगर आपको, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके नज़र से गुजरी हो, जिस पर डिस्कशन होए तो लोगों का फ़ायदा होएगा, और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको, जिसकी अवेयरनेस और बढ़ाई जाए, और कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिस पर बात हो सकती है, बैटरीज के हद तक बात करें तो आने वाले वीडियोज़ में उनको भी डिस्कस करेंगे, फिर कमेंट्स में बताएं प्लीज़। थैंक यू।